कोई रेल को आग लगाए, ना कोई रास्ते को बंद किया। प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी, आइए पूछते हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है? मैं देवाशीष होता, NIOS DLED टीचर्स एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ जी। हमारा जो मुद्दा था कि 180,665 जो शिक्षक लोग थे देश भर के हर राज्य से, उनका नॉट सर्टिफाइड करके एक टैग लगाया गया था 3 साल से ट्रेनिंग का, तो वो लोग पास हो गए लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया है? कारण तो कुछ नहीं था, लेकिन वो दिए नहीं थे इसलिए हम बैठे थे, बिना कारण रोक के रखे थे। तो हम लोग वो उसके लिए जंतर मंतर में 4 बार प्रदर्शन किए, संसद भवन मार्च किए, ना कोई रेल को आग लगाए, ना कोई रास्ते को बंद किया, गणतंत्र के पद्धति से शांतिपूर्ण तरीके से देश को आइन को सम्मान दे के हमने प्रदर्शन किया 5 बार, 4th बार तो हमारा मुद्दा को मान लिया सरकार ने। अगस्त 2 को NCTA घटा दिया, अगस्त 26 पिछले महीने में सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तो उसके सर्टिफिकेट इशू कर दिया फिर भी आप लोग जंतर मंतर आए, इसीलिए धन्यवाद देने के लिए, ये आभार व्यक्त करने के लिए कि मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए ये जो हट गया है इसके लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम इधर हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति मंजरी सेठ। क्या बोलेंगे सर, हम बहुत खुश हैं, आज हमारा NCTA हट गया ना, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को और एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर मैं आने का मतलब है कि जंतर मंतर धन्यवाद ही देना और कुछ नहीं। नहीं सर, धन्यवाद आभार व्यक्त करने के लिए ही आए हैं जी। तो महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कह रहा है कि बहुत महंगाई है। महंगाई तो बहुत है सर, इसलिए तो अब हमारा जो NCTA हो गया, हम रेगुलर हो जाएंगे तो हमारा काफ़ी पेमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन पहले आप 5,000-10,000 ऐसे मिलता था, तो इसमें हम क्या करेंगे सर बोलिए। ऑनलाइन के जो एजुकेशन शुरू हो गया है, और बच्चों को भी मोबाइल देना पड़ता है, अपना भी रखना पड़ता है, हमको पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ना पड़ता है, तो अपने बच्चे को तो देते हैं ना जी। तो अब आज एक मौका मिला है प्रधानमंत्री जी से बोलने के लिए, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो गेम वगैरह जो है ना वो हटवा दे, और उसी के चलते बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमको भी दिक्कत आ रहा है, तो इसी के लिए हम एक मौका मिला है तो हम बार बार तो नहीं बोल पाएंगे ना, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि गेम वगैरह हटवा दे। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम कल्पना धरवा है, मैं उड़ीसा से आई हूँ सर जी के साथ जी। तो हम लोग का जो प्रॉब्लम था ना, वो वाला इतना बड़ा प्रॉब्लम था जो कि जो देवाशीष सर जी के लिए ही हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो पहले तो मैं उनको ही धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनके कारण जो कि सही मार्ग हम लोग को दिखाए और उसी के कारण से हम लोग आज जीत पाए। तो शिक्षा मंत्री आज के दिन पे शिक्षा मंत्री जी को और धर्म और हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं, और शिक्षा नीति को आगे चलाने के लिए सही तरीका से, तो शिक्षकों का योगदान बहुत जरूरी है, और शिक्षकों को सम्मान जैसे कि जवान को जवान जो कि पहरेदार है देश की, और किसान और शिक्षक, वो तीन एक स्तंभ है जी। वो तीन स्तंभ को सही तरीके से यदि खड़ा होंगे तो देश विकसित सही मार्ग से जा सकेगा जी। तो क्या इनकी डिमांड थी, तो आप लोगों ने सुन लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग नंबर 1 इंडिया।